एक आदमी उठना खाली, हजारों उठाने का नहीं, एक आदमी उठ गया तो सबको उठाता होना, रोटी उठ नहीं गया इंसान, तो मैं क्या करूँ? आपको बोलना नहीं आया तो मैं क्या करूँ? अगर आप गूंगे हैं तो मैं जबान डालू क्या? आपको बोले तरीका भी आना, जा रहा मुसलमान जेल को, जा रहा आदिवासी और इंटेलेक्चुअल, कौन से कांग्रेस के लोग जेल को जा रहे? मेरे को क्या करना है अफगानिस्तान से? ना मेरा ससुराल वहां का है, ना मेरे तालुक ही नहीं अपने अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्या हो रहा मोदी जी से पूछो आप लोग, 20 साल में क्या करे वहां पे, $3 बिलियन वहां खर्चा करे, क्या करे सो है? वो हर साल 800-900 बच्चों को बुलाते थे अफगानिस्तान से, पढ़ाते थे बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिसिन इंडियन मिलिट्री अकेडमी ट्रेनिंग देते थे, ऐसे 16,000 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दिए 20 साल में। अब लोग क्या करें इनसे पूछना ना, वेट एंड वॉच बोलते खाली, प्राइस बढ़ गया पेट्रोल का, वेट एंड वॉच, हर चीज वेट एंड वॉच है इनका। लीडर बताओ ना कोई, छोड़ दो मैं तो गली का लीडर भी नहीं हूँ, कौन है बताओ तुम? ऐसी न्यूज आ रही है कि आजम खान साहब जो है ज्वाइन करेंगे आजम खान, आजम आजम खान साहब के लिए हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह सुभाना व तआला आजम खान साहब की जो मुश्किलात में है अल्लाह उसको खत्म कर दे, उनको रिहा करवा दे, और वो जो यूनिवर्सिटी कायम की वो आजम खान की यूनिवर्सिटी नहीं है, वो गरीब अकलियतों की यूनिवर्सिटी है, और अल्लाह उसकी हिफाजत करे, जो मुश्किलात में है तकालीफ में है उससे उनको छुटकारा मिले। सर वो M+M के बारे में आप सुना होगा, उसके बारे में आप क्या राय है? I am only for M by M. और खास तौर से कर्नाटका में जो जनता ने जिनको अपना MLA बनाया वो लोग धोखा देकर या अपनी आइडियोलॉजी की जो भी था उनके जाके BJP को सपोर्ट किए, उसकी वजह से आज BJP यहाँ पावर में भरोसा नहीं है, ना आपकी जिंदगी का भरोसा ना मेरी जिंदगी का भरोसा है, फ्यूचर में क्या होता इसका मैं कोई नहीं बता सकता। BJP का बी टीम MIM है, उनको किधर पॉसिबिलिटी है उधर उतना ही। उन्होंने उनका बोलना सही है क्योंकि राहुल गांधी को मैं हराया मीटिंग में जाके मैं गया था ना, मैं ठहरा उनके सामने तो उन्होंने हार गए, तो उन्होंने वायनाड को आए वहां जीत गए। सर इलेक्शन के बाद ये कांग्रेस पार्टी का इग्नोरेंस है, एरोगेंस है, इनके इतने MLA BJP के गोद में जाके बैठ गए मेरे से पूछ के गए या सिद्धारामैया DK से पूछ के गए। कर्नाटका में आपकी पार्टी से मुस्लिम MP नहीं जीतता मेरी वजह से, 183 सीट्स कांग्रेस BJP हिंदी बेल्ट में लड़े, आपको मालूम कितने सीट जीती कांग्रेस? 183 ओनली 15 मेरी वजह से। मैं तो नॉर्थ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में किशनगंज में एक सीट थी हमारा, वहां हम थर्ड आए, 3 लाख वोट लिए तो कांग्रेस 350 लिया। तो कांग्रेस पार्टी का मामला ये है कि उन्होंने ये चाहते कि कभी भी, बल्कि हर सेक्युलर पार्टी ये चाहती कि कभी भी मुसलमानों का एक पॉलिटिकल लीडरशिप इवॉल्व ना हो, और वो ये समझते कि मुसलमान जो है सिर्फ उनकी गुलामी करना, कैदी बन के रहना, और उन्हें जैसा बोले उठना, उन्हें जैसा बोले सो जाना। हम ये बोल रहे हैं कि हम भारत की डेमोक्रेसी में हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, और उस वक्त मिलेगा जब हम इलेक्शन लड़ेंगे और वोट डालते आए, अब वोट डालना भी पड़ेगा अपने अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को, ये हमारी सोच है, ये हमारा काम है। और इनका मसला ये है कि अब ये बोलते हैं कि आप कुछ मत बोलो, आप खामोश बैठो, खामोश बैठो, खामोश बैठने से क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। पार्लियामेंट में आप देख लीजिए, जब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आया, जिसकी वजह से आज बहुत से इंटेलेक्चुअल्स, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से दलित समाज के लोग, ट्राइबल समाज के लोग और यंग मुस्लिम्स को BJP सेंट्रल गवर्नमेंट ने UAPA में डाल रही है। कौन सपोर्ट करा लोकसभा में? कांग्रेस। राज्यसभा में कौन सपोर्ट करे? कांग्रेस।
आप हर जगह पे बीजेपी को सपोर्ट करते लॉस बनाने में और वो लॉस का इस्तेमाल इन तमाम लोगों पे होता। जमहूरियत है, जमहूरियत हर एक को इख्तियार है अपनी आवाज उठाने का, अपने फैसले लेने का। भाई यहाँ तक तो हम आप मानते हैं ना कि बहुत से लोग तो बेदार हो चुके हैं, बेदार तो हो गए ना, आप भी आगे भी होंगे इंशाअल्लाह। एक आदमी बेदार हो गया एक हजारों में, उन्हें सबको जगह देता हूं, एक आदमी उठना खाली, हजारों को उठाने का नहीं, एक आदमी उठ गया तो सबको उठा देता हूं और उठ उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने यहाँ पे कितने जुमला कितने वार्ड से मेरे भाई, कितने पे नहीं लड़ रहे हम लोग, मैच में भीख हूँ बहुत, बोलो आप छह नहीं लड़े तो कितने बचते, आप प्लीज बोलो भाई छह अगर नहीं लड़े तो कितने बचते, 52 में फायदा होता मेरी वजह से, छह लड़े तो 52 में से फायदा होता। आप तो जीनियस है ना, मैं नहीं हूँ जीनियस, बाकी सब जगह नहीं, सुनिए सुनिए, छह लड़े तो आप बोले फायदा हो रहा, नहीं लड़े तो फायदा होता क्या, आप ये बोलना चाह रहे ना, वो नहीं होता। लेकिन सर बिल्कुल चला रहे, मैं तो बोला ना आपको, वही तो बोला ना मैं, तो मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजा, वही काम हो रहा। तो सर पब्लिक का हाल क्या होगा, पब्लिक तो परेशान है, पब्लिक का बुरा हाल है, पब्लिक तकलीफ में है। कोविड सेकेंड वेव के दौरान में इतने लोग हमारे मुल्क में, ऑक्सीजन नहीं मिला, दवाएं नहीं मिली, बेड्स नहीं मिला, चाहे कर्नाटका हो, दिल्ली हो, यूपी हो, कई बड़े बड़े सिटीज में, मुंबई हो, यहाँ पे नहीं मिला उन लोगों को, और ऑक्सीजन नहीं मिलता। हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह मार्च एंड में अप्रैल में पूछते, इस साल के स्टेट से पूछते आपका ने कितना ऑक्सीजन है, कितना होना आपको। पेट्रोल यकीनन सही बोल रहे हैं आप, पेट्रोल की कीमत आसमान पे चले गई। तो ये चीजें हैं, पब्लिक में गुस्सा है, पब्लिक में तकलीफ हो रही है, पब्लिक में बहुत एंगर है, मगर उसको कैपिटलाइज करना भी आना ना। मैं बोलता हूँ, अब आप नहीं बोल सके तो मैं क्या करूँ, आप खाली यूं कहे तो मैं क्या करूँ, आप जाके मोदी गले लपेट लिए तो मैं क्या करूँ, आपको बोलना नहीं आया तो मैं क्या करूँ, अगर आप गूंगे हैं तो मैं जबान डालूं क्या, तो आपको बोलने का तरीका भी आना। तो ये सवाल है, उनसे पूछो ना, उन्हें कहीं गुजर नहीं आ रहे, कोई नहीं जेल भी आ रहा, उन्हें जेल कौन जा रहा, जेल जाने वाले क्या कांग्रेस के लोग है, ना मेरा ससुराल वहां का है, ना मेरे ताल्लुक ही नहीं अपने अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में क्या हो रहा मोदी जी से पूछो आप लोग, 20 साल में क्या करे वहां पे, $3 बिलियन वहां खर्चा करे, क्या करे सो है, वो हर साल 800-900 बच्चों को बुलाते थे अफगानिस्तान से, पढ़ाते थे बच्चे बच्चियों को, इंजीनियरिंग मेडिसिन इंडियन मिलिट्री अकेडमी में ट्रेनिंग देते थे, ऐसे 16,000 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दिए 20 साल में। अब इन्हें क्या करे इनसे पूछना ना, इन्हें जवाब ही नहीं देते, वेट एंड वॉच बोलते खाली, प्राइस बढ़ गया पेट्रोल का, वेट एंड वॉच, हर चीज वेट एंड वॉच है इनका। आप बी टीम बोल रहे हैं, कांग्रेस को नहीं बोलते बी टीम, आप शिवसेना गोद में बैठी हुई है कांग्रेस, शिवसेना गोद में बैठी हुई है कांग्रेस, तो उन्होंने क्या दुली भय हो गए, वहां पे वोट लिए ओएसी को वोट मत दो, नहीं तो बीजेपी शिवसेना आती, इलेक्शनों के बाद तीनों मिलके निकाह कर लिए। चीफ मिनिस्टर असेंबली में खड़े रह के बोलता है कि हमारे को फखर है हम बाबरी मस्जिद को तोड़े, आप पावर में है कांग्रेस वाले उनके साथ, वो कम्युनिज्म नहीं है, या 6 सीट बल्कि पूरे कंट्री में बताओ कौन है, एक लीडर बताओ ना, कोई छोड़ दो मैं तो गली का लीडर भी नहीं हूं, मैं तो कौन है बताओ, तो उनको साहब जो है ज्वाइन करेंगे हमारे, अगर वहां से पहले आजम खान आजम आजम खान साहब के लिए हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह सुबहाना व तआला आजम खान साहब की जो मुश्किलात में है अल्लाह उसको खत्म कर दे, उनको रिहा करवा दे, और वो जो यूनिवर्सिटी कायम किए वो आजम खान की यूनिवर्सिटी नहीं है, वो गरीब अकलियतों की यूनिवर्सिटी है, और अल्लाह उसकी हिफाजत करे। ये सब जेली चीजा है, आज पहली जरूरत है कि वो जो मुश्किलात में है तकालीफ में है उससे उनको छुटकारा मिले। सर जैसा कि आपने कहा कि लीडर की जरूरत है,
लीडर पैदा करने की जरूरत है। अक्सर पार्टियों में होता है कि जो लीडर ऑलरेडी हुआ करते हैं वो नए लोगों को लीडर बनने का मौका नहीं देते। मजलिस में ये क्या मामला है? बैंड बाजा में क्या होता, जब तक दूल्हा रहता, दूल्हा अंदर चले गया मैरिज हॉल में, बैंड बाजा वाले चले जाते घर को अपने, वो हाल हमारा बना के रखे, हम बैंड बाजा खाली बस, जिंदाबाद जिंदाबाद, उनके नाम पे जिंदाबाद, इनके नाम पे जिंदाबाद। अरे तुम जिंदा रहो बाबा, आप ही जिंदा रह रहे, कब तक हम बैंड बाजा करेंगे इन लोगों का? आप बाजा बना बजा दो इन लोगों का इलेक्शन में, आप हीरो बनते फिर। सर वो एम प्लस एम के बारे में आप सुना होगा, उसके बारे में आप क्या राय है? I am only for M by M.